समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक का हाथरस हादसे पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मामले में तीन दोषी हैं, बाबा, आयोजक और तीसरा अनुमति देने वाला प्रशासन। सुनिए क्या कह रहे हैं। दलदल थी और दलदल में लोग गिरे तो उनके नाक में मुंह में मिट्टी भर गई तो वो सांस नहीं ले पाए। तो बड़ा दर्दनाक मामला हुआ है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी ये मानना है कि आयोजक और अनुमति प्रदान करता और जिला प्रशासन, देखिए ये सीधा सीधा DMSSP इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इतना बड़ा आयोजन उनके जिले में हो रहा है तो सीधी बात जो होगी DMSSP की होगी। मृतक बताया जा रहे हैं कई राज्यों के लोग इसमें शामिल थे और साथ ही बाबा पे भी सवाल उठ रहे हैं, जो वहां पे कार्यक्रम करने आए थे, जो वक्ता थे उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके जो सेवादार थे उन्होंने भी जो लोग घायल थे स्थानीय लोगों को मदद नहीं पहुंचाने दी। देखिए बाबा पे तो सबसे ज्यादा सवाल है, ये देश साधु संतों का देश है, सूफियों का देश है। इस देश में साधु संत का सम्मान सब करते हैं, सूफी का सम्मान करते हैं और उसकी आड़ में बहुत बाबा पैदा हो गए। मैं नहीं जानता है कौन बाबा है और चूंकि इनका सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं इनमें, तो इसलिए कुछ इनके बारे में कहा भी नहीं जाता। परंतु बाबा पर तो पहला सवाल उठता है और दूसरा सवाल होता आयोजकों पर, तीसरा सवाल होता आयोजक अनभिज्ञ होगा, DMSSP की क्या जिम्मेदारी थी। जो और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अमित गंज, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका हम बयान सुना रहे हैं। देखिए उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं यहां पर बाबा पे, जो यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस पे, और दूसरा उन्होंने डीएम और एसएसपी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, उनकी भूमिका को भी वो ले आए हैं जांच के दायरे में। देखिए कंचन जी, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे कहें और जहां से इस भगदड़ की शुरुआत हुई उस जगह मौजूद हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो मंच दिखाएं, यही वो जगह है जहां मंच सजा था, मंच पर लोग बैठे थे और वो बाबा जो लोगों को सत्संग प्रवचन या कुछ सुना था उसका सेफ रूम इस सामने बना। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा सेफ रूम दिखाइए, उनके लिए पूरा बनाया गया था। और उसके बाद जिस कुर्सी पर बताते हैं बैठने के बाद, देखिए मैं उस कुर्सी पर बैठ रहा हूं, हो सकता है मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं यहां बैठा हूं। देखिए यही वो कुर्सी है जिस पर बैठ के लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने प्रवचन दिया, लोगों को समस्याओं को लेना। मंच पे 28 से 30 लोग, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, 28 से 30 लोग यहां ऊपर बुलाए गए इस मंच पर और उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने उनसे धूल ली चरणों की और इसी रास्ते के माध्यम से, देखिए मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा कि आप इस तरफ आइए। देखिए ये वो रास्ता है जहां से होते हुए ये पीछे बैक उनकी गाड़ी का VIP लगाया गया था और VIP स्टोर होते हुए यहां से गाड़ी का काफिला, उनके लिए स्पेशली एक रोड बनाई गई थी, लगभग 1 किलोमीटर लंबा पूरा ये पैसेज बनाया गया था जिसके माध्यम से होते हुए पूरा रास्ता, अभी हालांकि बारिश हो चुकी है, पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो चुका है। यहां उनकी पोर्टिको में इधर गाड़ी खड़ी की गई थी, इस गाड़ियां यहां सिर्फ 3 गाड़ियां खड़ी की थी, बाकी गाड़ियां 28 से 30 गाड़ियां उस तरफ लगी थी। ये रास्ता उनके लिए स्पेशली 15 दिन की मशक्कत में स्पेशली खरंजा बिछा के उनको रास्ता बनाया ताकि उनका काफिला फड़फड़ाता हुआ यहां से फर्राटा भरता हुआ सीधे हाईवे तक पहुंचे और यहीं से कुछ लोगों से उन्होंने इसी जगह खड़े होकर लोगों से मुलाकात की। कुछ लोगों ने यहां उनके पैर छुए और जैसे कि मैंने बताया 28 से 30 लोग उस वक्त मंच पे आए, कुछ लोग अलग से वेटिंग हॉल में बिल्कुल आप मुख्य पॉइंट पर खड़े हुए हैं अमित गंजू, जहां पर ये सत्संग चल रहा था, जहां पर ये सो कॉल्ड आप कहिए जो बाबा थे, भोले बाबा के नाम से जो ये शख्स जाने जाते हैं जो सत्संग कर रहे थे, वो यहां पर ही बैठ के सत्संग कर रहे थे। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि जो पंडाल इस समय पानी से भरा हुआ है, जहां पर खचाखच का लोग, इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे, किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा, तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। देखिए CM के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है, ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के,
और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई SOP बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, बाबा के साथ जाते जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, दो दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यहाँ खड़े हम लोग? अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, देखिए उच्च स्तरीय जांच क्या है, दिल्ली सरकार उनकी है, UP सरकार उनकी है, अगर आपको जांच कर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर देखिए, उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, और अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे अस्पताल प्रशासन में मौजूद होंगे, जहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे, डॉक्टर से, अधिकारियों से जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो बैठक की जा रही है, ये समीक्षा बैठक की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा जो ये हादसा हुआ है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कि आखिरकार इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। जांच सीधे तौर पर बिठा दी गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री ये बात साफ कर चुके हैं। जैसे ही उन तक ये जानकारी, ये खबर पहुंची, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपने अधिकारियों को रवाना किया हाथरस, और अब खुद भी मौजूद हैं हाथरस में, जहां इस समय समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ आप देखेंगे प्रदेश BJP अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं, और यहां से अब थोड़ी ही देर के बाद रवानगी हो जाएगी अस्पताल की ओर। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आखिरकार इस दुखद हादसे के आरोपियों को अब ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि जो सत्संग महाराज जिसके लिए कराया जा रहा था, भोले बाबा जिसका नाम है, इस शख्स की अभी फिलहाल फरार ये चल रहा है। ना सिर्फ ये शख्स बल्कि पूरी टीम, इनके कमेटी के पूरे लोग, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, वो सभी लोग फरार चल रहे हैं जो ये सत्संग करवा रहे थे। उन सबकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ हाथरस अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, हम तस्वीरें मुख्यमंत्री की दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए आप अस्पताल के अंदर से हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आपने दी कि देखिए 10 लोग जो यहां पर भर्ती हैं, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखिए अभी हम अखिलेश यादव को सुना रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर जांच चल रही है इस मामले की, यूपी की सरकार को दोषी ठहराया है। वो कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर इंतजाम, बंदोबस्त पूरे नहीं है, घायलों के लिए ना दवाइयां हैं ना स्ट्रेचर है उनको लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए। सीधे तौर पर वो योगी सरकार और अस्पताल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद से लगातार इसका इस पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगे और विपक्ष जो है वो घेरने लगा, जिस पर मौजूदा पार्टी ने, बीजेपी ने, यानी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसने ये कहा कि संवेदनाएं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और शुरुआत में जाहिर तौर पर जिस तरीके की दृश्य देखने को मिला था कि सिकंदरा राव में करीब करीब 100 बॉडी एक साथ पहुंची थी, तो जाहिर तौर पर स्थिति चरमराई थी, लेकिन बाद में स्थिति पर काबू पाने
लाने की कोशिश की गई, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, मेडिकल सुविधाओं का आसपास के जनपदों से किया गया, जिलाधिकारियों से कोऑर्डिनेशन किया गया। तो शुरुआती तौर में स्थिति चरमराई थी, लेकिन बाद में स्थिति जो है उसमें सुधार किया गया और फिलहाल अब जिस तरीके से आप दरअसल अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। चूंकि आप इस समय अस्पताल प्रशासन के बाहर से हैं तो आपसे जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेचर नहीं है यहाँ पर, जो 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 घायल लोग हैं उनको लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए दवाइयां नहीं है अस्पताल के अंदर, पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, जो यहाँ पर लोग मौचे हुए हैं पीड़ितों के उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और यहाँ पर चिंता की बात यह है कि पूरी तैयारियां अस्पताल प्रशासन की देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव के सवाल। देखिए जाहिर तौर पर राजनीति शुरू हो गई है, इस पे बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो गई और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी भी हो रही उससे ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी बॉडी, 38 बॉडी थी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 38 बॉडी इस हाथरस में आई थी, सभी का पोस्टमार्टम हो गया है, संभवतः एक बॉडी रह गई थी अब से एक घंटे पहले, उसका भी पोस्टमार्टम हो गया होगा। तमाम जो यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनको लगाया गया था पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो और बॉडी सुपुर्द की जाए, एम्बुलेंस बुलाई गई, तमाम जो सुविधाएं थी आसपास के जनपदों, जाहिर तौर पर 100 बॉडी के लिए 100 एम्बुलेंस की सुविधा एक जनपद में नहीं हो सकती है, तो आसपास के जनपद से कोऑर्डिनेट करके तमाम एम्बुलेंस बुलाई गई और एक एक करके जिस तरीके से शव होते गए, शिनाख्त होती गई, सभी को सुपुर्द कर दिया गया। बाकायदे इसमें अफसरों की ड्यूटी लगाई गई, राजस्व विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई, नायब तहसीलदार की लगाई गई, कानूनगो की लगाई गई, तहसीलदार की लगाई गई, एसडीएम की लगाई गई, तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। इस चीज से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद वहां पर लोग मौजूद हैं, जल्द से जल्द उन्होंने किया है कि जो सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां घायलों को दी गई है, उपचार उनको दिया गया है और इस समय सारे घायल जो अब अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां पर 10 घायल हैं और आप भी बता ही रहे हैं कि वो खतरे की जद से बाहर हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े करना वाकई में चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ हमें उस दोषी को, उन हत्यारों को पकड़ना है जिन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है, बजाय कि हम सरकार को घेरें, राजनीति करना बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति हो रही है वो बेहद गलत है और यहाँ पर जो 10 लोग हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, लगातार मॉनिटरिंग के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्तर के लेवल के अफसर लगाए गए हैं, इसके अलावा सीएमओ और लगातार निगरानी बना रहे, कमेटी का गठन किया गया, एक डॉक्टर का पैनल तैयार किया गया है, जो 10 लोग हैं उनके इलाज में कोई कमी नहीं रही। देखिए शुरुआती तौर में जो अगर बात करें तो शुरुआती तौर में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता गया क्योंकि बॉडीज की गिनती धीरे धीरे होती गई, उसको प्रशासन कंफर्म करता गया, लेकिन उसके बाद जो बॉडीज आई हैं वो जो है वो उनको उपचार दिया जाए, उनमें कोई क्रिटिकल ना हो, उनमें कोई कैजुअल्टी ना हो, इसका बेहद ख्याल रखा गया है। शायद इसी वजह से जो कैजुअल्टी है वो 150 और 200 नहीं पहुंची है। और आपको बताएं अलीगढ़ में, आगरा में, एटा में, हाथरस में, आसपास फिरोजाबाद में जितने भी जनपद है, यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, यहां के सीएमओ से, यहां के हेल्थ सुविधाओं से, यहां के प्राइवेट अस्पतालों से सबसे कोऑर्डिनेट किया गया और उपचार अच्छा दिया जा सके इस पर फोकस रखा गया है। शायद इसी वजह से यह आंकड़ा 150 और 200 नहीं पहुंचा, इसको लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, जल्द से जल्द जो मेडिकल एड है वो दिया जाए, जो घायल हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है। तो जाहिर तौर पर देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही लगातार सवाल जो है मीडिया भी उठाता रहा है और इसके साथ साथ जो मौजूदा पार्टी है वो संवेदनाओं की व्यक्त बात कर रही है और दूसरी तरफ कार्रवाई की बात करी, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है ऐसा माना जा रहा है कि सिकंदरा राव में पुलिस लाइन में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहां समीक्षा बैठक के बाद सब जितने भी अधिकारी हैं जो जहां पे लूपहोल देखने को मिला है वहां पर कार्रवाई निश्चित होगी और ऐसे संकेत अफसरों से मिल चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी, सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ ही जो बाबा फरार है, जो सूरज पाल बाबा फरार है, उसके लिए टीमों का गठन किया गया है, उसकी भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से साझा की गई है, कितनी टीमें लगाई गई, लगातार तवीज दी जा रही है, मीडिया को सूचनाएं भी साझा की जा रही हैं। और आपको बता दें कि टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस के जरिए और कई टीमें, मतलब एक दो चार नहीं है,
दर्जनों टीमों का गठन किया गया। जो वाकई में दुखद है हिमांशु, बहुत दुखद है कि एक तरफ इस घटनाक्रम, ये जो पूरा इतना भयंकर गमगीन कर देने वाला हादसा हुआ है, इस पर शोक प्रकट करना चाहिए और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, उनको नहीं बख्शना चाहिए। ये स्टेटमेंट आने चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, बजाय कि वो सरकार को घेरें, उपचार व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करें। मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस से एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत की है, सुनिए। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 38 शव आए थे जिनमें से यहाँ पर 36 का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मेरे साथ एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक मौजूद है जिनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सर, 36 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 38 आए थे, बाकी की सर लेटेस्ट क्या अपडेट है? सर देखिए, दो के जो फोटोज हैं वो पूरे प्रांत में और पूरे प्रदेश में और जो है अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी सर्कुलेट कर दिए गए हैं। उम्मीद है उनकी भी जल्दी शिनाख्त कर ली जाएगी और उसके बाद उनका भी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करके उनको उनके रिलेटिव्स को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या सर पूरी रात पोस्टमार्टम चले सर? हाँ, पूरी रात पोस्टमार्टम किए हैं। यहाँ पे मेडिकल टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही युद्ध स्तर पे काम करते हुए 38 में से 36 का पोस्टमार्टम पूरी रात में उन्होंने करके मतलब कंप्लीट किया है। क्या लगभग सर 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक अब तक 35 का हो चुका है, एक का होना बाकी रह गया है? नहीं, 36 का हो चुका है और 36 भी रवाना हो चुके हैं अपने गंतव्य के लिए और उनके रिलेटिव्स को सुपुर्द भी कर दी गई है बॉडीज। ये मेरे साथ एसपी सिटी मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी रात यहाँ पर पोस्टमार्टम किए गए हैं, मेडिकल विभाग ने भी यहाँ पर अच्छा कार्य करा है। यहाँ पर 36 शव आए थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ से पोस्टमार्टम करके संतुष्ट करके यहाँ पर उनकी रवानगी कर दी गई है। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, अमित गंजू के पास एक बार फिर से चलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे अस्पताल प्रशासन, आपको तस्वीरें वहां की दिखाएंगे, लेकिन इस समय घटनास्थल से जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से हमारे साथ अमित गंजू लगातार बने हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और बारीकियां भी समझा रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ है। अमित गंजू, आपसे जब पहले बात हो रही थी तो आप वो पंडाल दिखा रहे थे जहां पर ये भोले बाबा बैठे थे, जहां से वो सत्संग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस पूरे घटनाक्रम से वो ये है कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, परमिशन लेके आपको यहां पर सुरक्षा व्यवस्था देके इस आयोजन को कराया जा रहा है, तो आप एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि इस हादसे में सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी गलती यही कि इस पूरे समारोह में एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं था। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया और यही बात अब पुलिस भी इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। सिकंदरा राव की एक टीम आई थी अभी इससे पहले, यहाँ के आईजी अलीगढ़ जोन और चित्रवी जो मंडल आई तो यहाँ आई, उन्होंने पूरा पंडाल पे हुआ, उनके साथ एक टीम थी, उसने इसकी फोटोग्राफी कराई। उसका उद्देश्य क्या था वो तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए था। जिस प्रकार से 80,000 भी यदि परमिशन ली गई थी उन आयोजकों द्वारा, चाहे उसमें मधुकर की बात करें, हम अनार सिंह की बात करें, महेश चंद की बात करें, उन पांच लोगों ने जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सह प्रधान, लिपिक प्रधान, ऐसी पांच पोस्टें उन्होंने बनाई थी और जब इसका एक डामर। अमित गंजू, मैं इमरजेंसी गेट की तो पूछ ही नहीं रही हूँ, इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एंट्री और एग्जिट गेट क्यों नहीं बनाया ये सबसे बड़ा सवाल उठता है इस पूरे घटनाक्रम में। अमित गंजू और हिमांशु शुक्ला, तमाम सहयोगी, हमारे सहयोगों की हमको जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। काशी के स्कूल पहुंचेंगे करीब 11 बजे और 11 बजे के बाद वहां पर जनप्रतिनिधि जो पुलिस के अधिकारी है, अफसर हैं, सीनियर मोस्ट अफसर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी घटना की जानकारी लेंगे, क्योंकि एक हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया था जिसमें एडीजी और कमिश्नर हैं, वो उस कमेटी में जांच करेंगे, 24 घंटे में वो जांच रिपोर्ट सौंपनी है। लापरवाही किस स्तर पे हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण है, लापरवाही है या साजिश है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये स्पष्ट किया था कि ये लापरवाही है, साजिश, इसकी तफ्तीश की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी और जो प्रशासन के वो अपने स्तर पर लापरवाही की बात जो है वो खंगालेंगे, वो तफ्तीश करेंगे और ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद हैं अफसर, और क्योंकि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी है उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि लापरवाही किस स्तर पे हुई थी। माना जा रहा है कि गाज गिरनी तय है, अब ये देखना होगा कि गाज कब गिरती है, लेकिन फिलहाल जो जांच है
वो पूरा ब्यौरा पूरी आख्या रखी जाएगी सीएम के सामने, घटना कैसे हुई है, कब हुई है, कितने बजे हुई है, कितने लोग इनिशियल इन्फॉर्मेशन हम लेते रहेंगे। एक और हमारे सहयोगी जुड़ गए, सुमित शर्मा हाथरस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से। सुमित, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर क्या हालचाल है इस वक्त? आपको बता दूं, जैसे कल घटना हुई थी तो लगातार जो शव थे, शवों को अलग अलग जनपदों में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। कुछ शव एटा गए थे, अलीगढ़ गए थे, आगरा में कुछ शव गए, और वहीं हाथरस में लगभग 37 जो बॉडी थी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। रात को प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई थी उसको लेकर, रात में ही पोस्टमार्टम हाउस में सभी बॉडियों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और यहाँ से सभी को उनके घर तक। योगी, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 10 लोग भर्ती है, उनका हाल जानेंगे, उनका स्वास्थ्य जानेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल टीम गठित है उनसे बातचीत करेंगे, जिलाधिकारी मौजूद हैं, तमाम पुलिस के वरिष्ठ अफसर एडीजी रेंज मौजूद हैं, तो सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले घायलों के पास, घायलों के परिवारजनों से, घायलों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनको एड मिल रहा है, जो मेडिकल एड मिल रहा है, वो अच्छा मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता करेंगे, लोगों से बात करेंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी अब पहुंच चुके हैं और परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सीएम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं और फर्स्ट फ्लोर जाकर वहां पे जो घायल है उनसे बातचीत करेंगे, घायलों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। और जाओ, यहां पे मेडिकल टीम गठित है, जो मेडिकल टीम बनाई गई है मेडिकल एड देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग करे गए हैं उनसे बातचीत करेंगे और घायलों का हाल जानेंगे। देखिए, अभी तक जो डॉक्टरों ने चीजें स्पष्ट की है उससे ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि जो यहाँ 10 लोग हैं उनकी स्थिति स्थिर है, वो स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम लोग मौजूद हैं और जो घायल थे उन पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ पे कुल 38 शव आए थे, सभी का पोस्टमार्टम हो गया है। पूरी रात 24 घंटे ये जो मैराथन चल रहा है यहाँ पे मेडिकल एड दिलाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उसके एवज में यहाँ पे जो लोग हैं, जो बिल्कुल मैं आपसे और जानकारी लूंगी। देखिए, तस्वीरें हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका इंतजार किया जा रहा था और यहाँ पहुंच चुके हैं अस्पताल प्रशासन में, जहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री जा रहे हैं उन घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। सबकी हालत खतरे से बाहर है, अब जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स बता चुके हैं कि अब इन सबकी हालत, जो 10 लोग यहाँ पर एडमिट कराए गए हैं वो स्थिर है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उनके परिजनों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने, अंदर अस्पताल प्रशासन से अब आनी शुरू हो चुकी है। बेहद दुखद हादसा, जैसे ही ये जानकारी मुख्यमंत्री को मिली थी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदनाएं व्यक्त करी मृतकों के परिजनों की तरफ। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और जो सख्त लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। इस समय दोषियों की ही धरपकड़ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त आदेश दिए हैं उसके लिए दबिश दी जा रही है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें जो सत्संगकर्ता थे, उनकी कमेटी के लोग, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग, ये सब, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो घड़ी है जहां बात करके ही दुख बांटा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक एक परिजनों के साथ देखिए बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं आप, चश्मदीद कह सकते हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद थे कल उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का जो सत्संग चल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा देखते ही देखते। समापन के बाद भगदड़ मच गई, 121 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अलग अलग अस्पतालों में इन घायलों को एडमिट कराया गया। ये हाथरस का वो अस्पताल है जहां पर 10 इस समय पेशेंट हैं, 10 घायल इस समय मौजूद हैं, जो इस समय खतरे की जद से बाहर हैं। हालत उनकी ठीक है, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। दोषियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले, इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो इस समय रडार पर आ चुके हैं। ये भोले भाले गांव के लोग, जिनको अपनी बातों में, अपने मायाजाल में फंसा के लोग बड़े बड़े समागम करते हैं,
और अंधभक्ति में मौजूद ये लोग, अंधविश्वास से लिप्त ये लोग उन बाबाओं के चरण छूने के लिए ललायित हो जाते हैं। और ऐसा ही कल कुछ हुआ है, जब कारवां निकल रहा था भोले बाबा नामक शख्स का जिसने सत्संग किया, उस कारवां के पीछे भागते हुए आप देखेंगे महिलाओं को, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रखा है, बच्चे महिलाएं जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है मृतकों में, वहीं भागते हुए आपको वो धूल लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अंधविश्वास से भरी हुई वो मिट्टी, जिससे उनको लगता है उनके घर के कष्ट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, मुसीबतें कम हो जाएंगी। जाहिर तौर पर ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन दिखाते हुए कल जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची, जानकारी पहुंची, उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह दी है। हालांकि इस पर आपको बता देते हैं कि विपक्ष को जो आप सुन रहे थे, विपक्ष के नेता हो गए, विपक्ष का सबसे मुख्य चेहरा प्रदेश से आने वाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो गए, वो सरकार को यहां पर दोषी बता रहे हैं। लेकिन मानना यह है दोस्तों कि मानवता तार तार हो जाती है जब आप दोषियों को पकड़ने की बजाय यहां पर सरकार को दोषी ठहराते हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाएंगे, जांच बिठा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जा चुका है, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री यहां पर घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, अब ये वो हॉल है जहां पर इस समय घायल भर्ती हैं, 10 घायल हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हिमांशु लगातार इस अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, अंदर की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, वो जैसा आपने बताया मुख्यमंत्री परिजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, देखिए ऐसा ये स्थिति वो है जहां पर आप अपने शब्दों से, आप अपनी बातचीत से ढांढस बांध सकते हैं जो लोग घायल हैं उनके परिजनों से, और वही करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जिस चीज की बात हो रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ हाथरस में पहुंच गए हैं, जो घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं सीएम, और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया से भी बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे, और इस दौरान जो तमाम लोग यहाँ परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे मेडिकल एड के बारे में जानकारी ली जा रही है, जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर की टीम से बात की जा रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, क्या वो खतरे से बाहर हैं, स्थिति स्थिर है, ये तमाम बड़े सवाल थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ के जहन में स्वयं थे, और उसी का हाल जानने के लिए वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, हाथरस के अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ तमाम परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है, इसके अलावा डॉक्टर की टीम है, जिलाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी लोग मौजूद हैं, और इस दौरान समीक्षा बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच एक महिला कांस्टेबल भी इस दौरान घायल हुई थी। आपको बता दें महिला कांस्टेबल शुरुआती तौर में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी, और उसके बाद जब हालत स्थिर हो गई तो उसे जनरल वार्ड में सभी के साथ शिफ्ट कर दिया गया। कुल 10 लोग हैं जिनमें महिलाओं की संख्या बहुतायत में है, और जिस तरीके से आंकड़ा भी देखा गया मृतकों का जो 121 है उसमें भी 100 से ज्यादा महिलाएं, लिहाजा महिलाएं ज्यादा पहुंची थी सुनने के लिए, लेकिन इन सब के बीच ऐसा माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत अहम है, लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है, सरकार के लोग उनके साथ हैं, खुद मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री उनके लोगों का हाल जानेंगे, लोग उनसे बातचीत करेंगे, उनको आश्वस्त करेंगे कि जो भी हुआ है उस पे सरकार जो है वो खेद प्रकट करती है और कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए डीजीपी और जब चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे उन्होंने भी बहुत स्पष्ट किया था कि सरकार की मंशा है कार्रवाई की जाएगी, नजीर के तौर पे की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो जाहिर तौर पे मैसेज बहुत क्लियर है, सरकार एक तरफ जो घायल है, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो मृतक पक्ष हैं, उनसे सबसे बातचीत कर रही है, उन सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है, उन सबको उनके शवों को घर तक पहुंचा रही है, इसके लिए एक एक अफसर डिप्यूट किया गया है जिला प्रशासन स्तर पे, चाहे फिर वो अलीगढ़ का हो, आगरा का हो, फिरोजाबाद का हो, एटा का हो, मैनपुरी का हो, कहीं का भी हो, हाथरस का हो, इन तमाम जिलों के लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया, लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस को डिप्यूट किया गया। रात में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची थी तो यहाँ जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस की सुविधा कर दी गई थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, लगातार पोस्टमार्टम हो रहा था, कल पूरी रात पोस्टमार्टम हुआ है, 38 शव पहुंचे थे, 38 शव का पोस्टमार्टम हुआ, और तमाम जो भी जनपद के वो व्यक्ति थे जब शिनाख्त हो गई तो उनको उनके जनपद पहुंचा दिया गया, उनके घर पहुंचा दिया गया, उसके लिए एक अफसर भी लगाया गया था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की थी और उसके बाद अब सरकार मौके पर है, सरकार उनके साथ है, सरकार जो एक्शन है वो भी ले रही है, और साथ ही आम लोगों में जो पीड़ित है उनमें ये
मैसेज देने की भी कोशिश है कि सरकार आपसे दूर नहीं, सरकार आपके बीच है, सीएम खुद पहुंचे हुए हैं यही भरोसा दिलाने के लिए। और इसी भरोसे के बीच अब यहां पहुंचे, ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम लोगों से मिलेंगे, मिलने के बाद यहां से सीएम योगी जब जाएंगे तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मंडल आयुक्त है, जो एडीजी रेंज है, इनसे और डीजीपी खुद, चीफ सेक्रेटरी खुद सबसे बैठक की है, सबसे समीक्षा बैठक की है, कहां पे लूपहोल रह गया, कहां समस्या रही, क्या चीज नजरअंदाज की गई, किस अफसर की लापरवाही दिख रही है, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिस तरीके से कल ही से मैसेज फ्लो कर दिया गया था सीएम मौके पर पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस समय हाथरस के जिला अस्पताल में, तमाम जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, मेडिकल टीम से बात कर रहे हैं, जो मेडिकल एड दिया गया उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखिए, जो घायल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ उनके बीच में जाते हैं या जो भी मौजूदा सरकार होती है वो जाती है, तो एक भरोसा जीतती है आम आदमी का कि इतनी बड़ी घटना हुई, सीएम उनके साथ है, सरकार उनके साथ। और जिस तरीके से शुरू में ही जब घायलों के लिए 50,000 और मृतकों के लिए 2,00,000, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी यही मुआवजे की घोषणा की है, और इस बीच मुआवजा तो एक संवेदना है, लेकिन जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर जब नेता उतरते हैं, जब सीएम उतरते हैं, तो लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है सरकार के प्रति, और सीएम पहुंचे हुए हैं तो ये चीज कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि सरकार भरोसा दिला रही है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच जो पीड़ित पक्ष है यानी जो घायल पक्ष है उनके बीच सीएम है, उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हुए। जी हिमांशु, वाकई में पूर्व में भी हमने देखा है, देखिए ये इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं ये पहले से बताकर तो नहीं होते हैं, तो ऐसे में इस तरह के मामलों पर राजनीति करना वाकई में शर्मनाक है। अब विपक्ष क्या बात बोल रहा है उससे हटके हम चीजें होती हुई देखते हैं। पूर्व में भी हमने देखा है अगर ऐसे हादसे होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, घायलों से मिलने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जो उनका एक्शन देखा जाता है वो वाकई में कागजी नहीं होता है, वो धरातल होता हुआ देखा जाता है। कागजी दावे वादे मुख्यमंत्री के नहीं देखे गए हैं सीधे तौर पर, यह बात तो विपक्ष भी मानता है कि सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा देखी गई है, दोषियों को नहीं बख्शा गया है, और ऐसा ही वादा यहां पर भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। फिलहाल ये मुआवजे का जो ऐलान किया गया, आप सही कह रहे हैं कि वो एक संवेदना के तौर पर लिया जाता है, लेकिन हकीकत में जब प्रदेश का मुखिया लोगों के बीच में मौजूद रहता है, घायलों के बीच में मौजूद रहता है, तो एक अलग से ढांढस बंधती है, एक अलग से ही आपको ऊर्जा मिलती है कि आपके प्रदेश के मुखिया आपके साथ हैं। बहुत ही कम ऐसी स्थिति में हम देख पाते हैं जहां पर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है यहां घायलों के बीच में एक एक से जाकर मुखातिब होता है, एक एक से जाकर उनका हालचाल लेता है। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही कि अभी हाथरस अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, और बाकी के जिन अस्पतालों में घायल मौजूद हैं वहां पर भी जाएंगे वो, और उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। जो घायल हैं 40 के करीब घायल बताए जा रहे हैं अब भी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे की जद से बाहर हैं, अब सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जो अपने काम को पूरा करते हुए, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जन जन के बीच में जा रहे हैं, और देखिए एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। ये महिला, बूढ़ी महिला जो है, जो इस समय दर्द में है और इस बड़े हादसे का शिकार हुई है, इसके पास जहां जहां हाथ में चोटें लगी हैं आप देख सकते हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है तो उनके परिजनों के साथ बात कर रहे हैं, और जो साथ में डॉक्टर्स की टीम चल रही है वो बाकायदा उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा रहा है और हर एक पेशेंट के बारे में विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहा है। तो आप कह सकते हैं सीधे तौर पर ये बहुत ही जरूरी और एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से हो जाता है, जिसका निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय देखे जा रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, और अस्पतालों में जहां पर इस समय घायल मौजूद हैं उन तक भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, क्या उन सबसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें सबसे पहले कि ये घटना क्योंकि सिकंदरा राव में हुई थी और यहाँ पे सिकंदरा राव के पास ही पुलिस लाइन है, सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पहुंचे थे। फिलहाल जो कार्यक्रम अभी तक मीडिया से साझा किया गया उसके मुताबिक सिकंदरा राव में समीक्षा बैठक कर ली गई है, तमाम पुलिस अफसर, वरिष्ठ अफसर सब यहीं मौजूद थे, फॉरेंसिक की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आसपास के एडीजी रेंज, आईजी रेंज, कमिश्नर, एसएसपी, डीएम और मंडला आयुक्त, ये तमाम अफसर यहां मौजूद थे। और क्योंकि घटना यहीं हुई थी और सबसे पहले जो सिकंदरा
कंचना राव है वहां पे बॉडीज पहुंची थी, तो 100 से ज्यादा पहुंची थी। उसके बाद तमाम लोगों की 72 लोगों की तो देर शाम जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जब पहुंचे थे रात में 8-9 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा था 72 लोगों की शिनाख्त कर दी गई। शिनाख्त करते ही सबसे पहले तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया, पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवारों को सुपुर्द कर दिया गया। तो ये तो एक क्रम हो गया। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि सीएम जाएंगे, तो अभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन सीएम जिस तरीके से यहां लोगों से मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से परिवार का मुखिया होता है, जब परिवार का मुखिया के रूप में कोई जाता है किसी का हालचाल जानने के लिए, तो उसे एक ढांढस बंटता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है। उसी तरीके से प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो पहुंचे हैं पीड़ित के बीच में, जो घायल है उनके बीच में, उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तमाम लोग हैं, बूढ़े हैं, लिहाजा उनके बीच पहुंचे, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं, उनके उनकी जो सुविधा उनको मिल रही है उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ की टीम है, जो मेडिकल टीम डिप्यूट की गई, जो एसीएमओज हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो ओपीडी में लगातार डॉक्टर्स रहते हैं, जो भी टीमें बनाई गई हैं, उनसे सबसे ब्रीफ ले रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं कि जो लोग यहां पर हैं वो स्थिर हैं, वो स्वस्थ हैं, उनके इलाज में कोई कमी कोई खामी ना रह जाए। और एक ढांढस पहुंचाने के लिए प्रदेश का मुखिया उनके बीच पहुंचा है, और ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन कार्रवाई जो है उसके रूप में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जब भी पूर्व में हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और लॉ एंड ऑर्डर पे कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है, और लगातार कार्रवाई देखी गई है। फिर चाहे किसी भी क्रम में आप देख ले, अतीक पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद और भी तमाम ऐसे भूमाफिया गैंगस्टर रहे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, उनको निस्तेनाबूद किया गया है, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में और मेरे जर्नलिज्म कैरियर में इतना बड़ा स्टैम्पेड यानी भगदड़ मचकर 121 लोगों की मौत हो जाना, ये मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन इस तरीके का स्टैम्पेड उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से इसे लिया है, और वो गंभीरता देखने को भी मिल रही है। समीक्षा बैठक भी की जा रही है, लगातार अधिकारी अफसरों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब यह घटना हुई, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद डीजीपी, दो मंत्री तुरंत भेजे मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, लगातार उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लगातार कोऑर्डिनेट करने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर में यह स्पष्ट हो गई है कि 80,000 लोगों की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए या उससे ज्यादा पहुंच गए, लिहाजा जो भीड़ है वो कैसे तेज पहुंच, वो कैसे इतनी बढ़ गई, क्या एलआईयू की इंटेलिजेंस नहीं थी, इन तमाम सवालों को लेकर सीएम के मन में भी कई सवाल थे, और उसी को क्लियर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे अफसरों से जानने के लिए कि अगर लूपहोल है तो किसके स्तर पे है, क्या लोकल स्तर पे, पुलिस स्तर पे, या ये जानकारी नहीं लग पाई, या आयोजकों के स्तर पे है, आयोजकों ने ये जानकारी नहीं दी, क्योंकि आयोजकों ने जो परमिशन ली थी वो 80,000 के आसपास की ली थी, लेकिन भीड़ जो है वो प्रत्यक्ष दर्शी बताते हैं कि करीब 3 से 4 लाख थी, लेकिन पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है 2.5 लाख से ज्यादा थी, यानी 3 गुना थी। तो ये जो कमी, जो खामी, जो लूपहोल है, ये कहां रह गया, किस स्तर पे रह गया, इसकी जानकारी ली उसकी समीक्षा बैठक में, और अब ऐसा माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी इस समय हाथरस में है, जिला अस्पताल में है, जहां पे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वहीं पर समीक्षा बैठक के बाद जब यहां मुलाकात कर लेंगे, मुलाकात करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई नजीर के रूप में देखी जाएगी। और बाबा पर देखिए, इशारों में डीजीपी साहब ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और खासतौर पर जो ये बाबा है, बाबा भोले बाबा, सूरजपाल, ये तमाम नाम है इस बाबा के, नारायण हरि, ये तमाम नाम है, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो इनके सेवाकार हैं वो इनको बाबा कहने से मना करते हैं, अनुयायी को, उनको मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, और यही चीज इतनी भारी पड़ गई एक आम आदमी पे भी। कल 121 लोग स्टैम्पेड में मर गए बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए, बाबा के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे थे वो लेने के लिए, बाबा के चरण छूने के लिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका अंदाजा नहीं था, ना तो ये जिला प्रशासन को अंदाजा होगा, ना SSP को होगा, ना यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, क्योंकि भीड़ एकाएक बढ़ी। और मैनेजमेंट के नाम पे देखिए, जिस तरीके से अमित गंजू बहुत स्पष्ट कर रहे थे, बहुत ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, और सुबह से आपको घटनास्थल की जानकारी दे रहे हैं, घटना पे मौजूद है, वहां पे जो एंट्री की गई थी, क्योंकि रात देर रात हम लोग भी पहुंचे थे, जो एंट्री थी उसी एंट्री से भीड़ बैक हो गई, यानी वहीं से एग्जिट कर गई, और इतनी भीड़ थी, सड़क जाम हो गई, लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे, और बाबा का जो काफिला था उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया था, वो उस रास्ते से निकले, फर्राटा भरते हुए निकले, लेकिन उस फर्राटे भरने के दौरान जो भक्तगण थे, जो श्रद्धालु थे, जो उनके दर्शन करने
पहुंचे थे वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनकी आखिरी सत्संग होगा, उनका आखिरी कथा होगा, क्योंकि इसमें घायल भी बहुत हुए हैं। लेकिन घायलों को उपचार बेहतर दिया जाए इसको सुनिश्चित किया गया, आसपास के जनपदों से कोऑर्डिनेट किया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई, डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, सीएमओ से कोऑर्डिनेट किया गया, जो दवाएं हैं, जो मेडिकल एड है वो जल्द से जल्द मिल सके इसको पुख्ता किया गया। तो इंतजाम किए गए लेकिन आकलन कोई नहीं कर पाया कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, और ये संभवतः यूपी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड होगा, यानी सबसे बड़ा हादसा जो भगदड़ से हुआ। जी बिल्कुल, तो देश का सबसे बड़ा सूबा, और देखिए उस सूबे की सबसे ज्यादा जनता, अब उस जनता को संभालना, हर किसी की समस्या का समाधान देना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसी चुनौती से हमेशा निपटते हुए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखते हैं। इससे पहले भी पूर्व में हमने जो हादसे होते हुए देखे हैं उनका सख्त एक्शन, जो कि ना सिर्फ पेपर पे बल्कि जमीन पर होता हुआ भी देखा है। अब देखना यह जरूरी हो जाएगा जो मुख्य आरोपी आप कहिए या फिर हत्यारोपी आप कहिए जो इस पूरे घटनाक्रम में है, उनकी धरपकड़ कब तक हो जाती है, जिसके लिए लगातार पुलिस की टीम दबिश बनाई हुई है। लेकिन ये बड़ा हादसा जिससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया गया, ये दूसरा बड़ा सवाल है। मौके पर मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं थी, कम से कम 5 एम्बुलेंस मौके पर होनी चाहिए थी जो नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था भी नहीं थी। पर्याप्त वॉलेंटियर्स क्यों नहीं थे, लाखों की संख्या में जहां लोग आए हैं उनको संभालने के लिए वॉलेंटियर्स भी पर्याप्त नहीं थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स क्यों कम लगाई गई थी, खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी, जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां से कोई बैरिगेटिंग क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। आयोजकों की ओर से जो परमिशन ली गई उसमें सभी बातों का जिक्र क्यों नहीं किया गया था। 50,000 से ऊपर लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें 2.5 लाख से ऊपर लोगों के आने की जानकारी है, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचे थे इस घटनास्थल पर जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इस आयोजन में कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था। अमित गंजू जो हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे वहां से और जो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां गड्ढे हो रखे हैं, और देखिए कल भी बारिश हुई थी, ऐसे में उस जगह को समतल क्यों नहीं किया गया था, यह भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनने थे जो कि नहीं बनाए गए। इमरजेंसी गेट तो नहीं ही था, देखिए एग्जिट एंट्री पॉइंट भी नहीं बनाया गया था। ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशने के लिए टीम जो है वो बना दी गई है, और ये टीम पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री आज यहां पर मरीजों के साथ मुलाकात करने के बाद, उनके परिजनों के साथ चर्चा करने के बाद, अधिकारियों से जानकारी जुटाने के बाद, अब सीधे तौर पर आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन मोड में आ चुके हैं, और जो एक्शन अब लिया जाएगा दोषियों को तो कतई नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता देते हैं कि देखिए अब यहां कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा अभी शुरू होने में समय है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है और प्रशासन की जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आ गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ऐसे तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, जो जिस हादसे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जहां पर नियमों को, कायदों को ताक पर रख के आयोजन किया गया है, कितना सख्त एक्शन मुख्यमंत्री यहां लेंगे ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके सामने तस्वीरें अस्पताल प्रशासन की है, हाथरस अस्पताल से हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए अभी चारधाम यात्रा तो चल रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है आस्था के लिहाज से, कांवड़ यात्रा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर एक कमेटी बना दी है जो सख्त निगरानी रखेगी। आप कहिए कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उसके लिए प्रशासन, योगी सरकार सख्त है, तो ऐसे तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है इनके दोषियों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि अस्पताल से बाहर निकलने के बाद हम सीधे तौर पर जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक लेंगे और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। हिमांशु बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको कंचन अपडेट दे दे, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो चुके हैं। तमाम जो पीड़ित थे यानी जो घायल थे, उन तमाम लोगों से मिलकर उनका हालचाल जानकर स्वास्थ्य का जानकारी ली और उसके बाद यहां से रवाना हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां से सिकंदरा राव यानी जहां घटना स्थल है वहां पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद जो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में